हाँ तो दोस्तों, एक साहब ने नई गाड़ी ली। अब नई नई गाड़ी थी और वो छोटे कद के थे और पीछे देखने में जरा तकलीफ हो रही थी। तो बाजू में एक पठान साहब खड़े थे, उनको कहा कि मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा हूं, अगर कोई पीछे होगा तो बता देना। तो उन्होंने कहा, ओ को पीछे लो यार, देखो तुम आओ पीछे देखते हैं हम देखते हैं, आओ कोई आएगा हम बताएगा, आओ। अब गाड़ी पीछे ली, रिवर्स गियर में डाला, वेलकम बैक। गाड़ी पीछे आई, 2 मिनट के बाद में बिजली के पोल से जाके टकराई, गाड़ी का सत्यानाश हो गया। वो बाहर निकले, अरे भाई साहब आपको बोला था पीछे कुछ होगा तो बताना, आपने बताया क्यों नहीं। वो क्या करता है यार तू, वो तो बोल रहा था खंबा है। तुम पीछे ही जाते हैं, वो अच्छा हुआ खंबा था, नहीं तो लंबा जाता था तुम। हाँ तो दोस्तों, आजकल के गीतों की ओर चले, कैसे कैसे गीत आ रहे हैं, जैसे कि ओले ओले और तुन्ना तुन्ना, कुकू कुकू कुकू, बाद में आएगा थू 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 थू, बोले वाह वाह कितना अच्छा गाना बनाया। वर्डिंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन म्यूजिकल अंदाज में जब गाना बनाया जाता है तो अच्छा लगता है। वैसे आजकल तो कई सिंगर हैं, उससे पहले किशोर जी थे, रफी साहब थे, केएल सहगल साहब थे। तो केएल सहगल साहब अगर आज के दौर में होते, उन्हें अगर ये गाना गाना पड़ता कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, और वो कैसे गाते, जब कोई लड़की मैं देखूं, अरे अरे अरे, जब कोई लड़की मैं देखूं दिल दीवाना जो बोले ओले 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 ओले, गांव कराना ये यारो झूम झूम के जो बोले ओले 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 ओले। तो साहब, एच डी बर्मन साहब को गाना दिया जाता कि सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। कैसे कैसे बोल आजकल लिख रहे हैं, लेकिन एच डी बर्मन साहब ने कितने अच्छे गीत गाए हैं, लेकिन आजकल के दौर पर ये गाना गाना पड़ता तो कैसे गाते। तो ऐसी बातें हैं, ये तो अच्छे अच्छे गीत हैं, कैसे कैसे गीत हैं। अब प्यार मोहब्बत के गीत, जैसे कि आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलूं, भारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, कितने अच्छे अच्छे वर्डिंग। आजकल जब शादी होती है तो बीवी क्या कहती है, करो प्यार मुझे करो करो, मांग मेरी भरो, पहले पानी भरो बाद में मांग भरो। दादागिरी, ये तो बीवी कहती है, लेकिन आदमी क्या कहता है, हे क्या बोलती तू, हाथी का खंडाला, चलना पड़ेगा तेरे को खंडाला। दादागिरी का जमाना है साहब, ऐसे ऐसे गीत होते हैं बनते हैं, लेकिन उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो संजो आए सब्जी मंडी की ओर,
सब्जी मंडी एक म्यूजिकल सब्जी मंडी तैयार की गई और कहा गया कि जो कुछ बेचा जाए म्यूजिक में बेचा जाए। आप उसमें आर डी वर्मा साहब अगर होते उस कैसे केले बेचते और आशा जी धनिया अदरक नींबू वगैरह। अब आर डी वर्मा साहब कैसे केले बेचेंगे? धनिया है, मिर्ची है, अदरक भी है और नींबू भी। जो भी ले सस्ता ले, साथों में ले ले तो आलू फ्री। धनिया है, मिर्ची है, अदरक भी है और नींबू भी। जो भी ले सस्ता ले, साथों में ले ले तो आलू फ्री। केला ले, केला ले ले। ऐसे केले बेचते साहब और अभिजीत उनको रगड़ा पैटिस के स्टॉल पे बैठा दिया गया और विदाउट प्लेट्स, प्लेट्स वगैरह नहीं है, विदाउट प्लेट्स रगड़ा पैटिस कैसे बेचेंगे? जेब में रखो पैटिस और हाथ में ले लो छोले, छोले 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 छोले। दाल वड़ा भी ले लो और हाथ में ले लो छोले, छोले 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 छोले। इसको तो खाती है जनानिया हाथ में खट्टी मीठी चटनिया। हाथ में नहीं लेना तो रखो अपने मुंह को, खोले 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 डालो छोले 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 छोले। जेब में रखो पैटिस और हाथ में ले लो छोले 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 छोले। अब उसके बाद में आखिर में उस सब्जी मंडी में अलका याग्निक और ईला अरुण दोनों साथ में गई। अब भाव पूछने को घबरा रही थी, कैसे भाव करती हैं अलका याग्निक और ईला अरुण। आती है जैसे कि कुछ गंदगी ज्यादा होती है, कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, तो साहब ऐसी सब्जी मिली तो ईला अरुण जी ने खा ली और तबीयत खराब हो गई। अब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी म्यूजिकल वे में कैसे गोली दी, इन्होंने अपनी बीमारी भी कैसे म्यूजिकल वे में की और डॉक्टर ने भी म्यूजिकल वे में कैसे गोली दी ईला अरुण। क्या खाया था? तुम्हें दांत रगड़ी, फिर काय ककड़ी, फिर खाए रबड़ी, फिर सर्दी पकड़ी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मेरे आँख से पानी, मेरे नाक से पानी, मेरे मुंह से पानी, मेरे कान से पानी। फिर का गोली? ये का गोली? पहले लाल गोली, फिर पीली गोली। अरे दूर हट जा, हट जा डॉक्टर, दूर हट।
हाँ तो समझो, बात ऐसी है कि आजकल कितनी बड़ी सोसाइटियां बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन उसमें फैसिलिटी दी जाती है कि ये फैसिलिटी है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, यहाँ पर गार्डन है, यहाँ वॉचमैन है, यहाँ पर पाने वाला है, यहाँ पर बीड़ी वाला है, क्या क्या फैसिलिटी होती हैं। लेकिन एक सोसाइटी बनाएगी उसमें कहा गया, लिखा गया कि यहाँ पर दवाखाना भी है, यानी कि डिस्पेंसरी भी है। तो साहब डिस्पेंसरी तो खोल दी, लेकिन डॉक्टर कहाँ से लाएं? आजकल हर आदमी डॉक्टर बना हुआ है, कभी कोई बीमारी होती है तो बोले यार सर दर्द है, अरे ये सर दर्द, अरे ये ले ले गोली यार, ये गोली लेने से ना तेरा सर और दर्द दोनों गायब हो जाएंगे। तो समझो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, कैसी कैसी दवा, कैसे कैसे लोग दवा बोलते हैं। अब बात ऐसी थी कि जो थोड़ा बहुत जानते थे उनको डॉक्टर बनाया गया, और पेशेंट से कैसे पेश आ रहे हैं। सबसे पहले एक पठान साहब, उनको डॉक्टर बनाया गया, एक पेशेंट आया तो उन्होंने कहा वो क्या होते है बोल, क्या होते है बोल, होता है क्या? सर में दर्द होता है। और क्या होता है? माथे से पसीना आता है। और क्या होता है? नाक से भी पानी आता है। और क्या होता है? आंख से भी पानी आता है। और क्या होता है? कान में भी बहुत खुजली होता है। और क्या होता है? दांत भी बहुत कचकच कचकच करता है। और क्या होता है? गले में भी बहुत दर्द करता है। और क्या होता है? छाती में बहुत जलन होती है। और क्या होता है? बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब ठीक है तो जाओ फिर। हम पैर का डॉक्टर है यार, तुम पैर तक आता था हम तुमको देखता था, जाओ इधर। तो सोसाइटी वालों ने कहा ये कौन से डॉक्टर है, इनको हटाओ, दूसरे को बिठाओ, वरना हमारे पेशेंट सब खराब हो जाएंगे, हमारी सोसाइटी बदनाम हो जाएगी। इतने में एक सरदार जी जो कि पेशे से टैक्सी ड्राइवर है, अब जहन में रखिए टैक्सी ड्राइवर है और बहुत ही भड़कीले मिजाज के हैं, उनको डॉक्टर बनाया गया। तो पेशेंट बेचारा आया, बोला सीधा बैठ, सीधा बैठ, आराम से बैठ, सीधा बैठ। ऐसा मेरी मुंडी ऐसा क्यों को मारे हो, तो मीडिया डाउन नहीं करूं? आराम से बैठ, होता क्या है वो बोल। गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही, तो गम पाउडर जरा इसको चाबी दे। होता क्या है वो बोल। उल्टी उल्टी गाड़ी को चलाते हो, सीधी चलाया करो। गाड़ी उल्टी चलाने से गाड़ी खराब ही हो जाती, सीधी चलाया करो। है होता क्या है वो बोलो। कमाल का हाय हाय करता जा रहा है, फिर आए सीधा बन क्या होता है। सर पकड़ा गया है, सर पकड़ा गया तो घबराने कौन सी बात है, मैं जमानत पे छुड़वा लूंगा। मेरी कल गाड़ी पकड़ी गई थी तो मैंने छुड़वा ली थी, तेरा तो सर पकड़ा गया ना, तो बात नहीं, पुलिस मेरी पहचान की है। होता क्या है वो बोल। अच्छा ठीक है, बोनेट गोल, मतलब मुंह गोल। पाउडर इसका तेल बदली कर, इसकी हवा चेक कर, इसकी वायरिंग बदली कर, और जाते जाते मेरा भाड़ा दे के जाना, चल दर। तो ऐसी बात है, सोसाइटी वालों ने फिर और ऑब्जेक्शन उठाया, उनको भी उठा दिया। होली का दिन था, अब बात ऐसी थी, एक शराबी जो था वो जा रहा था, रास्ते में एक बच्चे ने फुग्गा मारा, जब ऊपर से पड़ा तो फुग्गा उसे घुटने पर लगा। अब घुटने पर लगा तो ये भड़क गए, बोले ओ इधर नीचे आओ, नीचे उतर उसको खोले। वो बच्चा नीचे आया, उसने बच्चे को इतना मारा तो आजू बाजू वाले लोग आ गए, बोले भाई कैसे मारे, क्यों मारे इतना, फुग्गा तो आपके घुटने पर लगा। अरे क्या बात कर रहे, उधर आंख होती तो फूट जाती ना। तो फुग्गे पर एक और बात थी कि स्वेटर शेटर की बाहर जा रही थी, अब उससे भी फुग्गा लग गया, तो बेचारे दाने दाने हो गए, और गई डॉक्टर के पास और क्या कहा।
पे ही रहूं पर बाहर न जाऊं, सारा दिन मैं अपने घर पे बिताऊं। चेहरा बताऊं तो मैं कैसे बताऊं, ये दाने अर दाने ही तो दाने हैं, चेहरे पे मेरे दाने ही तो दाने हैं। चोरी से पीछे से चुपके से आया, पीछे से उसने गुलाल दिखाया, नाना किया तो उसने फुग्गा दिखाया। तो डॉक्टर ने भी ऐसी गोली दे दी जिससे कि दाने हट गए। इतने में अल्ताफ राजा वो भी आए और डॉक्टर ने भी म्यूजिकल वे में कैसे उनको दवा दी। अल्ताफ राजा, मुझको हो रही है खांसी, अरे मुझको हो रही है खांसी, अरे दवा तो पिलाओ रे। मुझको हो रही है खांसी, दवा तो पिलाओ रे। अरे सुबह खाली नाड़ी में इंजेक्शन ना लगाओ रे, सुबह खाली नाड़ी में इंजेक्शन ना लगाओ रे। पहले ये बताओ कि क्या खाया था, पहले ये बताओ कि क्या खाया था, कहीं गंदे तेल से खाना तो नहीं बनाया था। जो कुछ कहना है साफ साफ कह दीजिए, जो कुछ कहना है साफ साफ कह दीजिए, वरना अपनी सेफ्टी के लिए इंजेक्शन लगावा ली। हाल में था मेरा प्रोग्राम चल रहा था, पीछे देखा तो मैंने 100 ग्राम चल रहा था, और साथ में तिरजिया जो खा रही थी भजिया, कुछ खास खा रही थी, थोड़ी बास आ रही थी, दारू थी वहाँ देसी, गर्म थी वहाँ पेप्सी, पीना पड़ा कुछ ऐसे, पुलिस पड़ी हो जैसे, जल्दी से क्वार्टर मारा तो सिप में उतारा, सर पे चढ़ी वो ऐसे, सब भूल गया मैं पैसे, लेकिन मैं क्या बताऊं वो माल दूसरा था, लेकिन मैं क्या बताऊं वो माल दूसरा था, ये माल दूसरा है वो माल को ठर्रा था, ये माल को दवा है वो माल को ठर्रा था, ये माल को दूसरा है वो माल को ठर्रा था। इसलिए तो, अरे इसलिए तो हो रही है खांसी, दवा तो पिलाओ रे। मुझको हो रही है खांसी, दवा तो पिलाओ रे। हाँ तो संजो, अब बात ऐसी है कि जब ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है तो अलग अलग फरमाइशें आती हैं, कोई क्या फरमाइश बोलता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब हमारे ऑर्केस्ट्रा में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। अब कोई सीरियस सॉन्ग बोलता है, कोई भड़कीले गाने बोलता है, फरमाइश बोलता है। वैसे ही ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था तो एक आए, बोले भाई साहब वो गाना लो ना, वो क्या बोलते उसको, वो बाहर आने तक। वो ये कौन सी फिल्म है बाहर आने तक? अरे यार बाहर आने तक, अंदर जाने तक का मतलब समझता है, उससे उल्टा बाहर आने तक। अरे यार ये कौन सी फिल्म है यार? अरे उसमें वो गाना नहीं था, वो काली तेरी धोती ते पंजामा मेरा लाल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बाहर आने तक, ये बाहर आने तक आया भाई, ये गाना तो अभी सेट नहीं है, लेकिन फिर भी सुना देते हैं। अब सुनाना पड़ा, लेकिन उसके बाद में एक मद्रासी साहब आ गए, बोले लेकिन उनकी फरमाइश कुछ अलग थी। फरमाइश क्या थी? धम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं तुमसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। इस गाने की फरमाइश उन्होंने कैसे दी? आइयो, वो हमारा एक गाना वो ना मांगता है,
कौन सा भाई? वो दंबर के मुंह को इधर को पैर के ये कौन सा गाना यार? आयो दंबर के मुंह को इधर को पैर के ये ना चंदा मैं तुमसे प्यार कर लूंगी। अरे भाई साहब लूंगी कहां से बीच में से आई? लूंगी वर्ड जो इस गाने में नहीं है। अरे लूंगी नहीं तो पजामा बोल रहे लेकिन मेरा गाना वो ना मांगता है। अच्छा भाई जरूर होगा, अब उनका भी गाना लेना पड़ा। इतने में एक नेपाल से एक आए, बोले वो श्याप वो सुबलू गाता है, मैं भी गाता है, मैं बहुत आशा गाता है। अब उनको गाना गाने का शौक हुआ तो पूछा कौन सा गाना गाएंगे? वो फिल्म दिल का गाना दिल से गाता है। दिल का गाना दिल से गाते हैं, बाकी और कहां से गाते हैं? दिल से ही गाते हैं। अच्छा सुनाइए आप, तो गाना आपने सुना है मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, चैन ना आए, न जाने कहां दिल खो गया। इस गाने को उन नेपाली गुरखा जी ने कैसे सुनाया? मेरा फोन नींद नहीं आता है, वो नींद नहीं आता है, वो नींद नहीं आता है, मेरे को शून्य को नहीं होता है, शून्य को नहीं होता है, ना जाने मेरा डांडा किधर गया, ना जाने मेरा डांडा किधर गया। तो अनाउंसर ने कहा डंडा आप बाहर छोड़ के आए, जारी लेके आई। वो लेने के लिए चले गए, इतने में सदा जी बोले सब लोग गा सकते हैं तो मैं नहीं गा सकता हूँ, मुझे भी गाने गाने का बहुत शौक है। तो आप भी गाइए, कौन सा गाना गाएंगे? और जी बहुत पुराना गाना है, लंबा गाना है, लेकिन मैं शॉर्ट करके सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए आप। अब उन्होंने गाना कौन सा था? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई यहां गिरा। अब दो लाइनें गाकर भूल चुके हैं और क्या जोड़ते हैं। अनाउंसर ने उनका कुर्ता खींचा ताकि आ जाओ आ जाओ, तो उन्होंने अनाउंसर को क्या जवाब दिया? अब गाना क्या था और कैसे जोड़ते हैं और क्या बोलते हैं? हाँ जी गाना सुना रहा हूं, ये गाना मैंने जबरदस्ती बनाया है, आपको भी जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक उधर गिरा एक इधर गिरा, एक उधर गिरा एक इधर गिरा, एक घर पे गिरा एक सार पे गिरा, एक जाल पे गिरा एक नल पे गिरा, एक लाइट पे गिरा एक माइक पे गिरा। तो अनाउंसर ने कहा आ जाओ आ जाओ प्लीज आ जाओ। और छोड़ो एक झाड़ पे गिरा, एक पहाड़ पे गिरा, एक दुकान पे गिरा, एक मकान पे गिरा, एक टेबल पे गिरा, एक कुर्सी पे गिरा। अनाउंसर ने कहा आ जाओ प्लीज आ जाओ। वो क्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हजार तो होने दो पहले। तो दोस्तों मित्रों सज्जनों बहुत बहुत शुक्रिया, और यही कहूंगा कि गुले गुलजार तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो सामने आके मिलेंगे। उसके बाद एक और शेर कहना मैं मुनासिब समझता हूं कि मजहब कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, मेरे दुख दर्द का हो असर तुम पे इतना कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जिगरी दोस्त मेरे भाई जामनगर के श्री वसंत परेश साहब, उन्होंने काफी शेर लिखे और एक उम्दा शेर उनका लिखा हुआ पेश कर रहा हूं। दिल मिले किसी को, किसी को दिलदार मिले, यारी मिले किसी को, किसी को यार मिले, गुल मिले किसी को गुलजार मिले, लेकिन वसंत भाई नरेंद्र बेदी को आप सबका प्यार मिले। शुक्रिया, थैंक यू।